नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई एंड्रॉयड फ़ोन खो गया है तो आप उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ढूंढने के लिए सबसे पहला जो चीज़ आपके पास होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो जिस मोबाइल को आपने खोया है उस मोबाइल में जो गूगल अकाउंट जो जिससे आप साइन इन किए थे वो आपको याद होना चाहिए, और दूसरा उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको उस अकाउंट का यूज़र नेम यानी कि उस ईमेल याद है और उसका पासवर्ड याद है तो आप उस फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और रिंग भी कर सकते हैं। और क्या चाहिए इसके अलावा, क्या चाहिए आपको? आप लॉक कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, पूरा वाइप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि वाइप जब आप उसको कीजिएगा तो वो जो है सो कम्प्लीटली जो है सो रीसीट हो जाएगा, तो कहने का होता है वो नया की तरह हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा अगर उसको मतलब उसके बाद हो सकता है कि वो फ़ोन वो चला पाए, लेकिन आपका डेटा जो है सो सुरक्षित तरीके से जो है सो रीसीट हो जाएगा। तो ये आपका जो है सो फ़ायदे की चीज़ है, तो इतना चीज़ आप कर पाइएगा। और ये बड़ा ही ईजी स्टेप है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ईजी वे में आप जो है सो ये कर पाएंगे। तो अगर आपको जानना है कैसे करेंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अब हम आपको चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। और हम एक्चुअली में चाहते थे कि लैपटॉप से बताएं कि इसको कैसे करना है, फिर सोचे कि यार लैपटॉप से, बहुत लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, बहुत लोग इंडिया में जो है सो फ़ोन से ही काम चलाते हैं। तो हम फिर बाद में सोचे कि चलो फ़ोन से ही बता देते हैं, तो इसलिए हम ये जो स्टेप है हम फ़ोन से ही बताने वाले हैं। तो देखते रहिएगा कि आखिर आप कैसे जो है अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं या फिर रिट्रीव कर सकते हैं, लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो एक और बात, लोकेशन जो है सो मतलब कहने का मतलब लोकेशन आपको वही बताएगा जो आखिरी बार जहाँ पे आपका फ़ोन देखा गया था। कहने का मतलब अगर आपका फ़ोन अभी भी ऑनलाइन है, जब मतलब अगर ऑनलाइन छोड़ के रखे हैं तो तब तक एकदम एक्यूरेट बताएगा जब तक आपका फ़ोन पूरा शट डाउन नहीं हो जाता, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता है। इतना ही नहीं, आपका बैटरी परसेंटेज भी बताएगा आपको कि कितना बैटरी। तो अब हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम अपने अकाउंट में किस किस अकाउंट से साइन इन किए हुए हैं। तो अकाउंट्स में जाके जैसा कि देख सकते हैं 3 और 4 से साइन इन किए हुए हैं। तो ये पब्लिक मेरा ईमेल आईडी है, ये बेसिकली आपको वहाँ पे मिल जाएगा अपने YouTube चैनल पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप देख भी लीजिएगा तो। हाँ, तो एग्जैक्टली यही 2 ईमेल आईडी है और इसी फ़ोन में साइन इन किया हुआ है इस ईमेल आईडी से। तो अब हम करने वाले हैं कि आपको हम दिखाने वाले हैं कि कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल में जाके गूगल अकाउंट टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिएगा, खुल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आया है मेरा गूगल अकाउंट, तो उसके बाद गूगल अकाउंट खोल लेंगे। और गूगल अकाउंट खुल जाने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको नीचे जा के स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस है, तो यहाँ पे फाइंड लॉस्ट और स्टोलन फ़ोन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसमें जो भी फ़ोन है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे केस में इस फ़ोन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है बेसिकली वेरीफाई करने के लिए, मेरा ऑटो फिल है। तो उसके बाद आप बेसिकली उसको लोकेट करना चाहते हैं तो लोकेट पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद उस फ़ोन का जो आइकन है ऊपर में उस पर क्लिक कीजिए। तो बेसिकली वो जो फ़ोन है वो लोकेट हो जाएगा, देख सकते हैं मेरे केस में लोकेट हो चुका है, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है अभी हम जहाँ पे हैं। 35% बैटरी है मेरे में, तो 35% बैटरी दिखा रहा है, दिखा सकते हैं आपको 35% है ऊपर में। उसके बाद आइडिया है सिम, तो आइडिया दिखा रहा है। उसके बाद सिक्योर्ड करना है डिवाइस को, अगर सिम बदल भी लेगा ना जिसको मिलेगा फ़ोन तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कंपनी का सिम है। उसके बाद सिक्योर डिवाइस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो बेसिकली रिकवरी मैसेज और फ़ोन नंबर डालना है, और भी कुछ है, और इरेज भी कर सकते हैं डिवाइस को। उसके अलावा भी आप यहाँ पे साइन आउट कर सकते हैं, रीच आउट फॉर योर करियर कंसीडर इरेजिंग, और कॉल भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से, और लोकेट तो करना बताई दिए, और रिंग भी कर सकते हैं। तो यही सब जो है सो आप यहाँ से कर पाएंगे। और तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत पीस।